नमस्ते स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर आज का चैप्टर 14 का मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा बराबर है स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का लास्ट टॉपिक आज, फिर हम उसकी प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे। बट आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम देखते हैं, मेरा क्वेश्चन 3। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कितने 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन एज हमें फाइंड करनी है। एंड द पॉलिसी इज गिवन टू ओनली ऑफ द पर्सन 18 टू 60 ईयर्स। अब देखो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें मीडियन क्लास चाहिएगा, यहाँ पे क्लास नहीं दिया हुआ, बिलो 20 बिलो 25 और ये सब लेस देन और बिलो मतलब सेम ही हुआ। और ये उसका क्या गिवन है, ये सीएफ गिवन है। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टेक्स्ट बुक खोल दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे करूँ तो आपको इजी रहे, बराबर है। सो टेक्स्ट बुक आप सबने खोल ली, ठीक है। वो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये जो क्लास है एज, उसको अब क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या आएगा, बिलो 20, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास। सबसे पहले क्या आएगा, बिलो 20, फिर क्या आएगा 20 से 25, क्योंकि 5-5 का गैप है ना, देख लो बिलो 25 बिलो 30। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 25 to 30, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, कहाँ तक करना है, 60 तक करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 से 55 और 55 to 60। क्लास के बाद हमें बाजू में क्या मिलेगा, बाजू में आप देखोगे तो हमारे पास बाजू में सी एफ दिया हुआ, सी एफ 2, 6, 24, 45, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सी एफ यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 6, 24, 45, यहाँ पे एफ ही लिखेंगे। और क्या दिया, 78, 89, 92, 78, 89, 92, 98 और 100, ओके। और यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एफ। अब देखो हमें सी एफ से एफ फाइंड करना होता है तो बिलो 20 वाले तो दो ही होंगे ये मान गए। अब 22-25 वाले ग्रुप वाले कितने होंगे, तो 20 से 25 में आपको बिलो 20 वाले माइनस कर देने पड़ेंगे, तो कितने बच जाएंगे, 6 - 2, 4। अभी तो देखो 2 + 4, 6 बनेगा। अब 25 to 30 में कितना होगा, 24 - 6 मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, 18। अभी चेक करो 6 + 18 तभी 24 हुआ। मतलब यहाँ पे उल्टा जाना है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होते तो हम प्लस करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी करना है इसलिए माइनस करेंगे। अब देखो हमें यहाँ ये ग्रुप चाहिए, तो 45 - 24 कितना होगा, 21। तभी देखो 24 + 21, 45 हुआ। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 33। चेक करो 33 + 45, 78। अब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11। इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। इनको माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ पे करेंगे 2। टोटल कितना है, 100, ओके। अब हमें मीडियन क्लास फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें एन बाहर सॉरी समेशन एफ आई 100 आएगा, तो सबसे पहले हमें एन बाय 2 कैलकुलेट करना है। 100 / 2 कितना आएगा, 50। अब बताओ 50 कहाँ पे लाया करेगा, 50 लाया करेगा हमारे पास 45 से नीचे, यहाँ तक सारे 45 हैं, तो 50 इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब हमें कौन सा क्लास लेना पड़ेगा, हमें ये वाला क्लास लेना पड़ेगा, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका मीडियन क्लास, क्या लिख सकते हैं आप फिर, देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 35 to 40। तो एल मेरा हो जाएगा 35, सी एफ मतलब उसके ऊपर वाला 45, एफ उसका खुद का कितना है, 33, और एच मतलब क्लास साइज, क्लास साइज कितनी है, 5 की, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, इतना डन। सो अभी फॉर्मूला पुट करेंगे, देयरफॉर मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। एल कितना दिया हुआ है, एल आपके पास दिया हुआ है 35,
प्लस एन बाय टू कितना दिया हुआ है 50, सी एफ देखो कितना दिया हुआ है 45, एफ दिया हुआ है 33 और एस दिया हुआ है 5। सो 35 ये हो गया, 5 5 25 बाय 33 क्योंकि 5 × 5 25 बाय 33 कितना होगा जल्दी से बताओ। 25 बाय 33 होगा आपका 0.76, तो इसका आंसर आएगा 35.76 मीडियन। क्लियर हुआ? और लास्ट में आपको क्या लिख देना है, स्टेटमेंट डन। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, द डेटा इज गिवन 118 to 126, 127 to 135। देखो ये वापिस यहाँ पे आपको पता है कि लिमिट्स में नहीं है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको कंटिन्यूस क्लास में। कंटिन्यूस क्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूस क्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो आपके पास देखो यहाँ पे क्लास दिया हुआ लेंथ, तो उसको आप क्लास में कन्वर्ट करोगे, ये एक एक्स्ट्रा आ गया। आपको पता है कि क्लास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐड 0.5 टू अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट, मतलब 117.5 और अपर लिमिट मैट करोगे तो 126.5, 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से लेके 135.5, फिर 135.5 से लेके 144.5, फिर 144.5 से लेके 153.5, फिर 153.5 से लेके 162.5, फिर 162.5 से लेके 171.5, फिर 171.5 से लेके 180.5। अब इसके बाद आप देखोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दी हुई है, कितने दी हुई है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। समेशन फ्रीक्वेंसी आप चेक करोगे तो 40, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर 40 सच प्लांट्स। अब हम फाइंड करेंगे सी है 3, 3 plus 5, 8, 8 plus 9, 17, 17 plus 12, 29, 29 plus 5, 34 plus 4, 38 plus 2, 40। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हो गया हमारा। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है n by 2, that is 40 by 2, कितना आएगा 20। अब बताओ 20 कहाँ पे लाई करेगा, 17 से नीचे। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि भाई 20 जो है वो 70 से नीचे, दैट इज 17 से नीचे, 17 और 29 के बीच में 20 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो देयरफॉर मीडियन क्लास हो गया 144.5 से लेके 153.5, तो उसमें उसकी लोअर लिमिट होगी 144.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाली 70, एफ उसकी खुद की 12 और एच कितना होगा 9 होगा, चेक करना दोनों के बीच का डिफरेंस 9 आ रहा है। ओरिजिनल क्वेश्चन में 8 था बट वो एक कंटिन्यूस में नहीं था, इसलिए एच कितना आ गया 9। तो देयरफॉर हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच, एल 144.5, एन बाय टू 20, सी एफ है 17, एफ है 12 और एच है 9। इन दोनों को 3 से कट करो तो ये हो गया 4। सो 144.5 प्लस 20 माइनस 17 3, 3 3 9 बाय 4, 144.5 प्लस 2.25, सो 146.75 इज योर आंसर। ठीक है, डन। आगे बढ़े,
कैलकुलेशन सिर्फ इतना ही करना है। देखो बेटा सारे कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको पहले उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। जैसे देख लो 1500 2000 2000 2500 ये सब दिया हुआ है, कितने लैंप्स हैं 400 नियॉन लैंप्स हैं, और आपको फाइंड क्या करना है मीडियन। तो सबसे पहले टेबल बना लो 3, बराबर। सबसे पहले यहाँ पे टेबल क्या लिखेंगे, लाइफ टाइम, और लैंप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1500 से 2000, फिर क्या आएगा 2000 to 2500, फिर क्या आएगा 2500 to 3000, फिर क्या आएगा 3000 to 3500, फिर क्या आएगा 3500 to 4000, फिर क्या आएगा 4000 to 4500, फिर क्या आएगा 4500 to 5000, ओके। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे f, f उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 14 56 60 86 74 62 and 48, समेशन फ्रीक्वेंसी 400 दी हुई है। और यहाँ पे क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 14 plus 56 is 70 and 60 is 130 and 86 is 216 and 74 is 292 and 48 is 400। अपना काम हो गया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम निकालते हैं n by 2, 400 by 2 कितना आएगा 200 200, बताओ किसमें लाई करेगा 130 से नीचे और 216 के बीच में। तो हमारा मीडियन क्लास क्या बन जाएगा, हमारा मीडियन क्लास बनेगा ये, ठीक है। क्या नाम है मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 3000 to 3500, सो एल कितना हो जाएगा 3000, बराबर। सी एफ उसके ऊपर का 130, एफ उसका खुद का 86, और एच कितना हो जाएगा 500, ठीक है, क्लियर हो गया। सब कुछ तो आपके पास है, देयरफॉर आपको फाइंड करना है मीडियन। फॉर्मूला होगा एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। सो लोअर लिमिट आपका कितना निकला था 3000, एन बाय टू कितना निकला था 200, बराबर है। सी एफ कितना निकला है 130, एफ उसका खुद का निकला कितना है 86, और एच कितना गैप है 500 का। एम इज इक्वल टू 3000 प्लस ये बचा 70 70 इंटू 500, 3500 डिवाइड बाय 86, 35,070 और हो जाए। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो इसका आंसर आएगा 406.978 406.978। एम की वैल्यू कितनी आएगी 3406.978। डन, पक्का, चलो गुड। नेक्स्ट, 100 surnames वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम्स आर गिवन बिलो। मतलब सरनेम में कितने अल्फाबेट्स है, जैसे देखो ठक्कर में टी एच ए डबल के ए आर 7 होता है तो इसको बिलोंग करेगा, बराबर। शर्मा उसमें 5 होता है इसको बिलोंग करेगा, सूर्यवंशी तो उतने वर्ड्स होंगे उसमें बिलोंग करेगा, फिर उपारेल अलग है, शाह अलग है, मेहता अलग है, तो सब में खान अलग अलग है, मतलब जितने भी हैं उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा लिखा गया है इतने सरनेम वाले नाम। डिटरमाइन द मीडियन नंबर, उसके बाद मीन और उसके बाद मॉड, तीनों के तीन एक साथ फाइंड करें। जैसे मैंने देखो आप बोलोगे सर सेकंड तो आपको हमने हम आपने हमको होमवर्क दिया था, सिक्स मैं करवा रहा हूँ, उसका रीजन है कि देखो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ एक ही साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते, एक ही साथ सब कैसे कर सकते हो। सबसे पहले क्या आएगा क्लास, 1 से लेके 4 4 से लेके 7 7 to 10 10 to 13 13 to 16 16 to 19 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है क्लास हो गया। उसके बाद मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 6 30 40 16 4 5 4, समेशन फ्रीक्वेंसी कितना होगा 100, क्वेश्चन में दिया हुआ हमको कुछ नहीं लिखना है।
बराबर है। अभी हमें सबसे पहले उसको मीडियन फाइंड करना, तो सी एफ फाइंड कर लूँ, 6 6 + 30 36 + 40 76 and 7 16 92 96 और 100, ये हो गया। अब उसके बाद हमें मीन फाइंड करना है। मीन के लिए आपको पता है कि क्या चाहिएगा, एक्स आई चाहिएगा। एक्स आई कितना होगा, 1 और 4 के बीच में, 1 + 4 5, मतलब 5/2 होगा 2.5, फिर सबके बीच में 3 का गैप है मतलब 5.5, फिर 3 का गैप है 8.5, 11.5, 14.5 और 17.5। अब मुझे एक्स आई इतने पॉइंट वाले चाहिए नहीं, इसलिए मैं उसको ए मान लूंगा। तो फिर मैं डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए करूंगा, ये 0 - 3 - 6 क्योंकि 3 3 का गैप है, ये 3 6 और 9, ठीक है। और लास्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे एफ आई डी आई। क्यों एफ आई डी आई, क्योंकि मीन के लिए चाहिएगा। चलो एफ आई ये है आपका, एफ आई 6 - -6 - 36, 13 - -3 - 90, 14 - 0 0, 16 3 48, 6 4 24, 9 4 36। देखो 36 - 36 कैंसिल हो गया, बराबर है। 4 5 6 68 72 90 - 72, तो समेशन एफ आई डी आई का आंसर आएगा -18। मतलब एक ही टेबल में आपका सब कुछ। अब बोलो सर मोड, मोड तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करना है, उसमें हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं मीडियन फाइंड करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट मैं फाइंड करूंगा मीडियन, उसके लिए मैं एन बाय टू, दैट इज 100/2, दैट इज 50। बताओ 50 कहाँ पे लाई करेगा, सी एफ में चेक करना है 50, तो 36 और 76 के नीचे, जब ये मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। सो मीडियन क्लास मेरा क्या हो गया, उसके बेस पे मीडियन क्लास मेरा हो गया 7 to 10, एल हो गया मेरा 7, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब उसके ऊपर वाली कितनी है 36, एफ उसका खुद का कितना है 40 और एच कितना है 3। Therefore, median का फॉर्मूला L plus N by 2 minus CF by F into H. L कितना है 7 plus N by 2 50 minus CF is 36 by F 40 into H 3. 7 plus 14 by 40 into 3. So, 14 by 40. 14 by 40 मतलब 14 3 is 42. 42 by 40. 42 by 40. 21/20 21/20 मतलब 1.05 कितना आएगा 1.05 सो आंसर निकलेगा मीडियन का आंसर निकलेगा 7 प्लस 1.05 आंसर आएगा 8.05, ठीक है सही है। तो इतना लिख लीजिए, फिर मीन फाइंड करता है। ओके फिर हम फाइंड करेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। हमने ए किसको माना है चेक कर लो, 8.5 को, समेशन एफ आई डी आई माइनस 18 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8.5 प्लस माइनस 18 और ये आ जाएगा 100। तो एक्स बार इज इक्वल टू 8.5 माइनस 0.18, तो एक्स बार कितना आएगा 8.32, ठीक है। अब तीसरा हमें क्या फाइंड करना है, तीसरा हमें फाइंड करना है मोड। मोड के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मॉडल क्लास। अब बताओ मॉडल क्लास कैसे फाइंड होगा, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वही मॉडल क्लास भी वही है 7 to 10, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है। तो मॉडल क्लास हो गया 7 to 10, तो एल हो गया उसका 7, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 40, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 30 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 16 और एच है 3। देयरफॉर मोड का फॉर्मूला होगा एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय मीडियन का कहाँ बैठाती है एफ वन माइनस एफ जीरो, 2f1 - f0 माइनस एफ टू इंटू एच। एल कितना है 7 प्लस एफ वन कितना है 40, एफ जीरो कितना है 30, 2 इंटू एफ वन कितना है 80 माइनस एफ जीरो 30 माइनस 16 इंटू एच इज 3। 7 प्लस 40 माइनस 30 इज 10, 10 3 इज 30 अपॉन ये बचेगा नीचे 50, 50 माइनस 16 कितना आएगा
तो इसका आंसर आएगा 7 + 0.88, तो आंसर आएगा इसका 7.88, तो ये निकला आपका मोड। तो मीन है 8.32, मीडियन है 8.05 और मोड है 7.88। क्लियर हुआ पक्का? बढ़े आगे, ठीक है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बराबर देखो 30 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मीडियन वेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उसका क्लास बना लेते हैं। क्लास कितना है, 40 to 45, 45 से 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 7 to 75। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अगर आप चेक करोगे तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। फिर आपको क्या चाहिए, CF चाहिए। CF मतलब 2, 2 + 3, 5, 5 + 8, 13, 13 + 6, 19, 19 + 6, 25 + 3, 28 + 2, 13। अब हमें मीडियन क्लास चाहिए, तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, n/2। सबसे पहले n/2, 30/2 कितना आएगा, 15। तो बताओ 15 कहाँ पे लाया करेगा, 30 और 19 के बीच में, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मेरा हो गया 55 to 60। और तो उसका एल हो जाएगा 55। मीडियन फाइंड करना तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर 13, एफ उसका खुद का 6, एफ उसका खुद का 6 और एच कितना है, ग्रुप 5। सो मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। एल कितना है, 55 प्लस एन बाय टू 15, सी एफ 13, एफ 6, एच 5। 55 प्लस 15 माइनस 13, 2, 2, 5 जा 10/6, 10/6 कितना आएगा बता, 1.67, 1.67 मतलब आंसर आएगा 56.67 के। कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन मुझे और अच्छे लग रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ, आप भी खुद प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया, मैथ्स पूरा खत्म हो गया, बट फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए पहला ही क्वेश्चन है, देख लो। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, उसका मीन 18 है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी था, बराबर है। सबसे पहले क्लास 11 to 13, 13 to 15, फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितने दी हुआ है, 3, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। समेशन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 3 + 6, 9, 9 and 9, 18 and 13, 31, 31 and 9, 40 plus। अब हम फाइंड करेंगे CF, CF की जरूरत ही नहीं है, क्या कर रहे हो, XI फाइंड करेंगे, 11 और 13 का 12, 13, 14 का, तो 14, 16, 18, 20, 22 और 24, बराबर। अब हम फाइंड करेंगे DI, मैं इसको A मान लेता हूँ। सो DI इज इक्वल टू XI माइनस A, 0, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, 2, 4 और 6 हो गया। अब आप खुद देख सकते हो कि कितना छोटा नंबर हो गया, राइट। तो हम लास्ट में क्या फाइंड करेंगे, एफ आई डी आई, 3 × -6 कितना आ जाएगा, -18। अरे बाबा, अरे बाबा, एक गलती हो गया, अरे ये गलती क्या हो गया, मैं आपको बताता। अब देखो मैं इसमें है ना 20 को ए मानूंगा, क्यों, क्योंकि जिसके सामने एफ होता है, याद करो मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसको ए मानने का, तो 0, -2, -4, -6, -8 और ये 2 और 4, कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। अब करो देखो, 3 × 8 = -24, 6 × 6। आप बोलोगे सर डायरेक्ट मेथड नहीं कर सकते, कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इतने बड़े नंबर्स को इनके मल्टीप्लाई करना, आप देखो कितने छोटे हो गए, 9 × 4 = 36, 13 × 2 = 26, 0, 5 × 2 =
कैंसिल, ये हो गया 72, 72 एंड 24 96, तो समेशन FIDI 96 हो गया बराबर। आपके पास सब कुछ है, मीन भी क्वेश्चन में देखो दिया हुआ 18, हम क्या करेंगे देखो, मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, x बार दिया हुआ 18, a मैंने माना है 20, ये देखो 20 मैंने हो गया माइनस 96, और नीचे समेशन FI इज 40 प्लस है, अब देखो 20 सर जाएगा तो माइनस 2 हो गए, 20 माइनस 18। अब बच्चे इन दोनों को कट करके आएंगे, बट बेटा बीच में प्लस किसके लिए, टाइम पास के लिए नहीं है, माइनस 96 40 प्लस है, इन दोनों को कट कर दो, ये कट करोगे 48, यहाँ पे बचेगा 1, ये ऊपर जाएगा, 40 प्लस एफ इज इक्वल टू 48, एफ की वैल्यू 8। इजी कुछ था बेटा, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन सारे कर रहे हैं, ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 60.5.6, अब देखो उसमें दो अननोन है F1 F2, तो सबसे पहले क्लास 10, 13, 30, 50, 50, 70, 70, 90, 90, 110, 110, 130, उसके बाद F5, 5, 8 F1 20 F2 और 2 ऐड करो, 5 और 8 13, 13 और 2 15 और 20 35, मतलब समेशन फ्रीक्वेंसी इज 35 प्लस F1 और प्लस F2, ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको फाइंड करना होगा XI, ये होगा इसका 20, 40, 60, 80, 100 और 120, ओके। अब आपको कैलकुलेशन तो करना ही है, मीन आपके पास दिया हुआ है 65.6, तो मैं 60 को ए मानूंगा, डीए इज इक्वल टू XI माइनस है, क्यों 60 को ये माना, बिकॉज उसके सामने F1 है, मतलब अननोन है 0, ये हो गया माइनस 20, ये हो गया माइनस 40, ये हो गया 20, 40 और 60। अब बोलते सर डायरेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने बताया ना आपका कैलकुलेशन आपकी मर्जी, आपको जिस मेथड से करना है कर सकते हो। लास्ट में FIDI है, ये कितना आ जाएगा माइनस 200, ये हो गया माइनस 160, ये हो गया 0, 400, ये हो गया 40 F2 और ये हो गया 120। अब देखो ये हो गया माइनस 360 और प्लस 400, मतलब 40 और 120 160। अब बहुत सारे बच्चे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स 160 प्लस 40 को 200 F2 लिख के आते हैं, वो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 160 प्लस 40 F2, क्योंकि इनको माइनस करोगे, देखो ये है 360 40 एंड 160, 160 प्लस 40 F2 हो गया। अब देखो एक बात आपको पता है कि टोटल 50 दिया हुआ है और हमारा टोटल ये निकला, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, समेशन FI इज इक्वल टू 50, बट समेशन FI कितना निकला 35 प्लस F1 प्लस F2, देयरफॉर 50 इज इक्वल टू 35 प्लस F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 कितना निकलेगा 15, नंबर वन करके छोड़ दें। दूसरी बात, x बार का फॉर्मूला है a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, x बार कितना दिया हुआ है 62.5, बराबर चेक करो 65.6, सॉरी। अब बोलो सर आपके दिमाग में ये नंबर कहाँ से आया, वो प्रीवियस टाइम क्वेश्चन एक मैंने और किया था ना इसलिए। अब देख लो a की वैल्यू कितनी है 60 प्लस समेशन FIDI है कितना निकला 160 प्लस 40 F2, 160 प्लस 40 F2 समेशन FI। अब बोलो समेशन FI तो हमारा ये निकला, अरे भाई इन सब की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, सीधा 50 तो पुट कर ही सकते हो, प्लस 60 इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस 60, तो 65.6 माइनस 60 इक्वल टू 160 प्लस 40 F2, कुछ नहीं होगा, एज इट इज छोड़ देना, ठीक है 200 F2 नहीं होगा, 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 4.4,
कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है क्या मैडम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ए को मैंने 60 माना है, तो इससे जाएगा तो -60, हाँ तो +5.6 होगा। क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, पागल हो गया। हाँ +5.6, 160 +40 f2 डिवाइड बाय 50 ऊपर जाएगा, तो 56 इनटू 5, 56 इनटू 5 करोगे आप तो कितना आएगा, 34 280 इज इक्वल टू 160 +40 f2। अब देखो 160 से जाएगा माइनस, तो 120 इज इक्वल टू 40 f2, और कट कर दोगे तो f2 की वैल्यू 3। तो सीधा फ्रॉम 1 f1 +f2 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 15, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12, दोनों की वैल्यूज निकल गई। समझे, पक्का? ऐसे निकालना है, मीडियन के लिए जैसे करते थे उसकी जगह मीन का फॉर्मूला डालना। और अब लास्ट क्वेश्चन मोड वाला। अब देखो मोड में आपके पास क्या दिया हुआ, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 36। अब देखो सिंस मोड 36 दिया हुआ है आपके पास, तो आप सीधा मॉडल क्लास निकाल सकते हो, क्योंकि मोड हमेशा xi से निकलता है, तो मॉडल क्लास क्या हो गया 32 40, क्योंकि 36 उसके बीच में लाइक करता है ना, मोड इज इक्वल टू 36। अब बताओ f1 कितना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 16, f0 x, f2 12 और h 10, हो गया, सब कुछ तो दिया हुआ। देयरफॉर हम मोड का फॉर्मूला डालेंगे, मोड का फॉर्मूला डालेंगे l +f1 -f0 2 f1 -f0 -f2 इनटू h। मोड कितना दिया हुआ है 36, और 36 एल की वैल्यू 30, एल की वैल्यू 30, f1 मतलब खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, f0 मतलब आगे x है, 2 इंटू 16 इज 32 माइनस x माइनस f2 बताओ कितना है 12, और इंटू h कितना है 10, ये इससे जाएगा तो 6, ये कितना आ जाएगा 16 माइनस x अपॉन 32 माइनस, ये हो जाएगा 20 माइनस x इंटू 10। मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, कितना हो जाएगा 120 -6x, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो 160 -10x, -10x को इधर लेके आओ 10x -6x, 120 को इधर लेके आओ -120, 4x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू 10। फाइनली हमारा मैथ्स टेक्स्ट बुक का यहाँ पे खत्म होता है, बट मैथ्स एक्चुअली खत्म नहीं होगा, अब हम रिविजन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, क्लास वाइज सॉरी स्कूल वाइज आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे मैं रिवाइज करने के लिए बुलाऊंगा। नहीं आ पाओगे तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पे आके आप आओ प्रैक्टिस करो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व करवा सकूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे सकूँ, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन के भाई जिनको नहीं आना है उनको मैं फोर्स भी नहीं कर सकता, तो घर पर बैठ के पढ़ाई करेगा। बट आओगे तो अच्छा रहेगा, मैं आपको 3 दिन बुलाऊंगा और आपके टाइम के कन्वीनियंसी पे बुलाऊंगा, बिकॉज हर एक स्कूल में अब रिविजन स्टार्ट है, तो स्कूल के वीडियो देखना कोई मतलब नहीं है, तो मॉर्निंग में भी हम वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।